Hello student, I will discuss relation and function chapter 1st NCERT maths. इसमें relation and function का एक part है आपका transitive relation. Transitive relation के बारे में हम discuss करेंगे आप लोगों के साथ. Student, transitive relation होता क्या है वो हम लोग देखते हैं. तो आप देखें transitive relation. अगर हम ये कहें कि कोई सेट हमारे पास ए बी सी है और ए बी में और बी और सी एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है कि ए कामा बी और बी कामा सी हो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो हमें ए और सी में अगर वही रिलेशन मिल जाए तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन. इसी को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं. स्टूडेंट देखें, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज ट्रांजिटिव इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर. ए कामा बी आपके रिलेशन से है और बी कामा सी भी रिलेशन से है, तो ए और बी में जो रिलेशन है बी और सी में रिलेशन है, वही आपका ए और सी में रिलेशन मिल जाए तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध कहते हैं इसको. स्टूडेंट देखें कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज ट्रांजिटिव इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर बी कामा सी बिलोंग टू आर. दिस इंप्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए. जितने भी हमारे ए बी सी हैं आपके ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से ही पिकअप किए जाते हैं. स्टूडेंट तो अब यहाँ पे हमने आपको इस रिलेशन का डेफिनेशन बता दिया. आप जनरली ये इस तरह से कहें कि जो संबंध ए और बी में है और बी और सी में है, वही संबंध अगर ए और सी में निकल कर आ जाए तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन. इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं. स्टूडेंट एग्जांपल्स लेते हैं. देखें, 1, 2 बिलोंग टू आर, 2, 3 बिलोंग टू आर, 1, 2 belong to R and 2, 3 belong to R. This imply that 1, 3 belong to R. तो आपका सेट ये 2, 3 कहाँ से लिए गए हैं? सेट A से लिए गए हैं. तो this is the transitive relation. ये आपका transitive relation होगा student. इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं student. अब आप देखें कि हमारे पास ये सेट A है और ये आपका सेट A है, क्योंकि ए ही सेट से दोनों लिए गए हैं. जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट ए से ही पिकअप किए गए हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको ए आपका ये है और ये भी ए है. अब 1 जो होता है 2 से रिलेट है और 2 जो है 3 से रिलेटेड है, तो हमको 1 और 3 में रिलेशन मिल जाए तो ये रिलेशन हमारा कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन. तो 1 जो होता है स्टूडेंट आपका 2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखें 1 इज रिलेटेड टू 2. यहाँ पे आपका 2 है, 1 जो होता है 2 से रिलेटेड है. इसी तरह से आपका स्टूडेंट 2 जो होता है 3 से रिलेटेड है. तो आप देखें 2 आपका 3 से रिलेटेड होगा. यहाँ 3 आपका 1 से रिलेटेड होगा, यहाँ 1 लेंगे तो ये आपका 1 से रिलेटेड है स्टूडेंट, और ये 2 जो होता है आपका 3 से रिलेटेड है. तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन. ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ स्टूडेंट. अब इसी तरह से हम अनदर एग्जांपल्स लेते हैं और इस एग्जांपल से और बेहतर आपको समझाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट. तो ये देखें कि एक हमारे पास रिलेशन है आर 1, 1, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 3 और 3, 3 इज ट्रांजिटिव. क्यों है? क्योंकि देखिए 1, 3 यहाँ पे दिख रहा है हमको और 3, 4 भी दिख रहा है, तो 1 और 4 हमको ढूंढना है. इसको ए बी समझे, इसको बी सी समझे, तो हमको ए सी ढूंढना है, ए और सी. तो आप देखें 1, 4 यहाँ दिख रहा है हमारा, 1, 3 है और 3, 4 है, तो हमारा 1, 4 भी है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ. तो यहाँ पे देखें 1, 3 बिलोंग टू आर और यहाँ पे 3, 4 बिलोंग टू आर. दिस इंप्लाई दैट 1, 4 बिलोंग टू आर. ये भी 1, 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है. तो ये स्टूडेंट आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ. अब यहाँ पे R2 है
1, 3 आपका है 3, 4, 4, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 3 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3 और 3, 4 तो दिख रहा है, लेकिन इसमें 1, 4 आपका नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो इसको हम इस तरह से देखें, बिकॉज 1, 3 बिलोंग टू आर, 3, 4 बिलोंग टू आर, बट 1, 4 नॉट बिलोंग टू आर। अब अनदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखें रिलेशन, रिलेशन ये आपका इस तरह से रिलेशन हो, लेस देन का इस ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि आपका अगर देखें ए लेस देन बी एंड बी आपका लेस देन सी, ए लेस देन बी, बी से ये आपका बी से छोटा हो और बी सी से छोटा हो, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए जो होता है सी से छोटा होगा। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि ए जो होता है आपका सी से छोटा होगा। तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अनदर एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट, आप देखें रिलेशन इक्वल टू, अगर इक्वल का कहीं साइन लगा है स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देखते हैं, अब देखें अगर कहीं इक्वल का साइन लगा है स्टूडेंट, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि हम अगर ये कहें कि ए इक्वल टू बी और फिर यहाँ पे हम लें कि बी इक्वल टू सी, तो दिस इम्प्लाई दैट डेफिनेटली अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ए सी के बराबर। तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, बिकॉज x इक्वल टू y एंड यहाँ पे y इक्वल टू z, ये आपका y इक्वल टू z होना चाहिए, x इक्वल टू y इक्वल टू z, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि x हमारा z के बराबर होगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब एक और एग्जाम्पल आप स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल आपका 3 है, द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन पैरेलल टू इज ट्रांजिटिव, बिकॉज आप देखें कि ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट ऑल लाइन जो एक प्लेन में हो और पैरेलल हो, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा? कि अगर हम ये कहें कि ए हमारे पास एक लाइन है, बी एक लाइन है और सी एक लाइन है, तो ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं स्टूडेंट कि ए इज पैरेलल टू सी। अब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप लाइन से हम देख लेते हैं स्टूडेंट, अब ये देखें ये लाइन है, ये आपकी बी लाइन है, ये आपकी सी लाइन है, तो ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये सी के पैरेलल है? डेफिनेटली कहेंगे। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर। थैंक यू।